तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ लिया है फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेज़रमेंट के अंदर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, लॉज ऑफ नेचर एंड सम बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़, और उसके बाद सम अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हमने 20 पढ़ी थी। अभी तक की क्लास में आपको वो सारे के सारे यूनिट्स, सारे के सारे क्वांटिटीज़ एंड उनके फॉर्मूले और उनके मीनिंग पता होने चाहिए। ओके, तभी आगे बढ़ के आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, अगर याद नहीं है तो उन्हें पहले याद कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा। तो अब हमारे पास बच्चों आते हैं सब इम्पोर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर्स। इम्पोर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर्स आर कि जो लेंथ होती है, या कोई भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, लेंथ है या मास है, टाइम है, एरिया है, जो कुछ भी है हमारे पास, इनकी सबकी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यूनिट्स को चूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि दिल्ली से जयपुर कितनी दूर है, तो ऑब्वियसली आप बताएंगे अप्रोक्सीमेटली 250 किलोमीटर। आप ये तो नहीं कहेंगे 250,000 मीटर, हालांकि ये सही है, बट आप कहेंगे ये। तो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द क्वांटिटी हम यूनिट को चूज़ करते हैं। ठीक है, तो कितने क्या क्या यूनिट्स होती हैं वो यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे, सम इम्पोर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर्स। सबसे पहले हम नंबर 1 लेंथ की यूनिट्स को पढ़ते हैं। लेंथ को बच्चों मीटर में मेज़र किया जाता है जनरली, एंड 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, एंड 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, एंड 1 मीटर 3.28 फिट के इक्वल होता है। ओके, एंड 1 मीटर 39.37 इंचेस के इक्वल होता है, एंड 1 मीटर 1.0936 यार्ड के इक्वल होता है। यार्ड को हिंदी में बोलते हैं गज। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर आपको देखने हैं और याद करने हैं। ठीक है, कुछ तो प्रैक्टिस में याद होते रहेंगे, लेकिन आप पहले से ही याद करके रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी क्वेश्चंस में। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा बड़ा साइज़, ये आता है हमारे पास जब हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर इज़ इक्वल्स टू 0.6215 माइल्स। ओके, माइल हिंदी में बोलते हैं ना मील, इतनी मील है, उतनी मील है, इस तरीके से। उसके बाद 1 माइल जो होता है वो होता है 1609, 1609 मीटर के बराबर होता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 1.6 मीटर हम बोलते हैं इसको। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1.6 मीटर। 1 न्यूटिकल माइल्स जो होता है, माइल से बड़ा होता है, न्यूटिकल माइल्स, NMI से लिखा जाता है इसको, और ये होता है 1852 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 1.8 मीटर का 1 न्यूटिकल माइल्स होता है। उसके बाद बात करते हैं हम इंचेस। इंच जैसे फिट जो होता है, अब स्केल से फीते से जब नापते हैं, ठीक है, तो 1 फिट के अंदर 12 इंच होते हैं। इन वन फिट देर आर 12 इंचेस। ठीक है, 12 इक्वल पार्ट्स में टूटा होता है। ठीक है, और जो ये 1 इंच होता है, ये किसके बराबर होता है, 2.56 सेंटीमीटर के बराबर, 5.4 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 फिट में 12 इंच होते हैं, तो हम देखें कि पूरे 1 फिट में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 1 फिट में 30.48 सेंटीमीटर होंगे। 12 को जब 2.56 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30.48 सेंटीमीटर आएगा।
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जब साइज़ बहुत बहुत छोटा हो तो बोलते हैं हम बोहर रेडियस, ये एटम के अंदर केमिस्ट्री के अंदर जनरली आता है, ठीक है, वन बोहर रेडियस तो इज़ इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, मतलब 0.5 × 10⁻⁵ 0.5 × 10⁻⁻⁶ - 10 मीटर, इतना छोटा, ठीक है। उसके बाद अब ये हैं सम लार्ज यूनिट्स, लार्ज यूनिट्स फॉर मेजरमेंट, और लार्ज यूनिट अब किलोमीटर से भी बड़ी यूनिट, माइल से भी बड़ी यूनिट, ये स्पेस में इस्तेमाल करी जाती है बच्चों। जैसे हमने पूछा रोड का डिस्टेंस कितना है या एयर डिस्टेंस भी कितना है, वो भी हम किलोमीटर्स में ही मेज़र करते हैं, लेकिन स्पेस में एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट की दूरी कितनी है, सन से अर्थ की दूरी कितनी है, ठीक है, ये सब हम जब मेज़र करते हैं तो दीज आर वेरी लार्ज डिस्टेंस जिसमें इस्तेमाल करी जाती हैं ये तीन यूनिट्स। नंबर वन इज़ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, 1 AU, ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU इक्वल होती है 1.49 × 10⁻¹ मीटर, विच इज़ सिमिलर टू, इसको आप लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻¹ मीटर। ये है एक एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड द अर्थ, फ्रॉम देयर सेंटर्स, सन से लेके अर्थ तक का, उनके सेंटर से सन से लेके अर्थ तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो बराबर होता है 1.5 × 10⁻¹ मीटर, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻⁶, अगर मैं 3 0 इसमें से घटा दूं तो आता है 8 किलोमीटर, ठीक है। इस पॉइंट को भी मैं यहाँ से अगर हटा दूं तो यहाँ से एक 10 अपने को कम करना पड़ेगा, तो आएगा 15 × 10⁻⁷ किलोमीटर। 10⁻⁷ का मतलब होता है बच्चों करोड़, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो अर्थ है सन से फ्रॉम देयर सेंटर है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। इस 15 करोड़ किलोमीटर को कहा जाता है क्या, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, इसके बाद आता है बच्चों लाइट ईयर, क्या आता है लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर इज़ अनदर लार्ज यूनिट फॉर मेजरमेंट जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ी है। इट इज़ इक्वल्स टू 9.461 × 10⁻¹⁵ मीटर, और ये होता क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। लाइट वैक्यूम के अंदर एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे कहते हैं लाइट ईयर, जो किसके बराबर होता है 9.461 × 10⁻¹⁵ मीटर, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों पारसेक, पारसेक जो होता है इज द लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरमेंट इन द स्पेस, विच इज़ पारसेक क्या होता है, पारसेक को पैरालिटिक सेकेंड भी बोला जाता है, जो होता है 3.08 × 10⁻¹⁶ मीटर के इक्वल। और लाइट ईयर से अगर इसका रिलेशन करें तो 3.26 लाइट ईयर के बराबर ये होता है, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, ठीक है, मतलब लाइट ईयर को 3.26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पारसेक में आ जाएगा, ठीक है, और पारसेक को 3.26 से डिवाइड करेंगे तो लाइट ईयर में आ जाएगा। अब ये समझने वाली बात है कि पारसेक होता क्या है बच्चों, ये होता है एक डिस्टेंस, पारसेक क्या होता है, अ डिस्टेंस विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड एट अ पॉइंट। एक आर्क ली जाए स्पेस में, जैसे सारे प्लैनेट इस तरीके से घूमते हैं ना, एक आर्क ली जाए जिस जो आर्क है सपोज ए बी, और इस आर्क की जो लेंथ हो ना वो हो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। स्पेस में, स्पेस में एक आर्क जिसकी लेंथ हो 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, वो आर्क जहाँ कहीं पे भी जिस भी पॉइंट पर 1 सेकंड का, ठीक है,
1 सेकंड का जो एंगल बनाए, डिग्री, डिग्री के बाद मिनट और मिनट के बाद सेकंड, ठीक है, एंगल की यूनिट। तो 1 सेकंड का एंगल जिस भी पॉइंट पर बनाए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क जिस भी पॉइंट पर 1 सेकंड का एंगल बनाए, तो उस पॉइंट से लेके इस आर्क तक की दूरी, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों बराबर होगी। इसको बोला जाता है 1 पारसेक, विच इज़ इक्वल्स टू 3.08 × 10^16 मीटर। ओके,